मैं बता रहा था कि क्या क्रैश कोर्स में सफलता हो सकती है। तो सबसे पहली मेरी क्या आवश्यकता है, हर एक स्टूडेंट को एक प्लानिंग बनानी चाहिए, चाहे वो कोई सा काम करे, ना कि स्टूडेंट जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हो उसके लिए आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। यदि आप तक प्लानिंग नहीं है ना, तो कोई सा काम सफल नहीं हो सकता। प्लानिंग या ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है कि उस काम में हम सफल कैसे हों, उस काम में हम सफल कैसे हों। अभी हमारे पास काम क्या है? आरजेएस का प्री एग्जाम पास करना, ये हमारा डेस्टिनी है इस समय। इसके अलावा कोई डेस्टिनी नहीं, ना मेंस की सोचो ना इंटरव्यू की सोचो। कारण है इसमें कि हम इतने नजदीक हैं एग्जाम के कि दूसरी चीज सोची नहीं जा सकती है, दूसरी कोई चीज सोची नहीं जा सकती है। हम मेंस में पास होंगे नहीं होंगे, हमारा मेन भी तैयार हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सब चीजों की व्यर्थ की बात है। इतने नजदीक पर आकर सिर्फ और सिर्फ हमें यही सोचना चाहिए कि हम प्री पास हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। और मेंस उस दिन सोचेंगे जब हमारा 80+ स्कोर होगा, और जब हम 26 जून को हम मिल रहे होंगे उस दिन हम ये बात सोच रहे होंगे कि हम मेंस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो फिर हमारी अब मेंस की प्लानिंग क्या हो। ठीक, तो आरजेएस प्री हमारा डेस्टिनी है इस समय, टारगेट है, और इसे कैसे पास करें। तो देखो क्या होता है कि क्रैश कोर्स जो भी चला रहा है उसके पास सिर्फ कोर्स पूरा कर रहा है तब वो कोर्स नहीं पढ़ा रहा। एक व्यक्ति है कोर्स इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि कोर्स नहीं पढ़ाना, उसे अपने स्टूडेंट्स को पास कराना है, उसे अपने स्टूडेंट्स को 80+ तक ले जाना है, तो वो क्या करे। तो यदि उस टीचर ने, उस कोच ने, उसका ब्लूप्रिंट कोच ने बनाया हुआ है तो इट शैल बी बेटर देन स्टूडेंट, बिकॉज फॉर ए लॉन्ग टाइम ही इज मेकिंग ब्लूप्रिंट्स, फॉर ए लॉन्ग टाइम ही हैज नॉलेज कि वॉट टाइप ऑफ हर्डल्स कम। तो ये सब चीजें कोच को पता होती है, जब कोच को पता होती है तो वो उसी रूप में बनाता है। तो सबसे पहली बात है कि ब्लूप्रिंट मैंने कैसा बनाया हुआ है, उस ब्लूप्रिंट को, मेरे ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करो। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें करीब करीब हम इसके 25 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं कि हम 25 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं, अभी हमें 75 क्वेश्चन तक और पहुंचना है। तो 25 मेरे, 25 कितने में से? 70 में से। मैंने अभी जो ब्लूप्रिंट है मेरे पास कितने का है? 70 क्वेश्चन का है, सबका नहीं है। 15 क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट सत्येंद्र जी का है, और 15 15 क्वेश्चन का पंकज जी का है। तो हम तीन लोगों ने बनाया हुआ है, सबसे बड़ा भार मेरे पास है जो मुझे करना है। तो मैं अपने स्टूडेंट का ये चाहता हूं कि करीब करीब 70 में से 65+ उसका स्कोर होना ही चाहिए। उसे गलत करने का, केवल मैक्सिमम 5 क्वेश्चन गलत करने की ही अनुमति हो सके। अनुमति तो बिल्कुल ही नहीं है, 70 में 70 स्कोर होना चाहिए, लेकिन 5 क्वेश्चन का हम लेके चल रहे हैं कि वो करीब करीब। तो जब 65 वो उसका प्लस यहाँ कर रहा है, 65+ यहाँ कर रहा है, तो वो निश्चित कर लेगा। अब ये कैसे होंगे? जैसे अभी आपने सीआरपीसी को कंप्लीट किया, सीआरपीसी में मैंने आपको बताया कि 12 15 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, 12 15 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो कहां से 12 15 क्वेश्चन आएंगे? तो फिर हमें पता लगा 12 15 क्वेश्चन आएंगे हर चैप्टर से। हम मान के चल सकते हैं कि एक क्वेश्चन, क्योंकि पुराने अनुभव है किसी भी चैप्टर में से 2 क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, किसी भी चैप्टर में से 2 क्वेश्चन नहीं है, एक 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 क्वेश्चन पूछता है। फिर प्रश्न आता है कि उन चैप्टर्स में चले गए तो किसी भी चैप्टर में चले गए, इस चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आने की संभावना है। फिर उस पेपर में हम ये देखते हैं कि यहां कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। अब जैसे
आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट शुरू करने वाले हैं, इसमें से क्या स्कोर होने की संभावना है? इसमें से 6-7 क्वेश्चन मैक्सिमम आने की संभावना रहेगी। कितने? 6-7 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। अब हमें यह देखना है कि 6-7 क्वेश्चन कहां से आएंगे। ऐसा नहीं होता एग्जामिनर कि मन में आया वहीं से 6-7, मतलब पहले चैप्टर से ही 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं, डेफिनेशन क्लॉज से भी 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं, कहीं से भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी बना के रख दिए जाए, ऐसा नहीं होता। वो ये चाहते हैं कि पूरे के पूरे एविडेंस एक्ट की जिसे जानकारी होती हो उससे हम 5-6 क्वेश्चन के माध्यम से ये सारी जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या उसका पूरा एविडेंस एक्ट आया हुआ है, क्या वो पूरे एविडेंस एक्ट से परिचित है। तो वो सब जगह से क्वेश्चन उठाने की कोशिश करेंगे। उन क्वेश्चन में जैसे 6-7 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन कैसा होगा, बड़ा सरल होगा, सरल क्वेश्चन डाल दिया एक, तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए डाल दिए 3 क्वेश्चन जो सिर्फ तैयारी वालों को ही होते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा कि 6-7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसने सिर्फ LLB करके आया वो भी कह देगा हाँ इसका एक सही है सारे सारे पेपर्स में से। उसे सोच के अरे यार बहुत सरल आता है पेपर,